तो गैस आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ी चेस्ट, और इस चेस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं 2.8 मिलियन आइटम्स। इस चेस्ट को बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी वुड लगेगी, तो मैं तुमसे वुड कलेक्ट करके मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने सारी वुड कलेक्ट कर ली, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी वुड कलेक्ट करी है। तो ये देखो, ये इतनी ज़्यादा वुड कलेक्ट करी है मैंने। तो इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारी सैंड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम फटाफट से सैंड को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सारी सैंड कलेक्ट कर ली, और अब हम इस चेस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इस चेस्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारा एरिया क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं इसी एरिया को क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने सारे एरिया क्लीन कर दिया, और अब हम इस चेस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस चेस्ट का फ्रेम बना दिया, और तुम देख सकते हो कि अभी से कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो अब हम इसकी वॉल्स वगैरह भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो मैंने इसकी वॉल्स भी बना दी है। अभी मैंने इसकी रूफ जो है वो नहीं बनाई है, पहले हम इसके अंदर का पार्ट बनाएंगे, उसके बाद इसकी रूफ को कवर कर देंगे। तो मैंने जो यहाँ पे चेस्ट वगैरह भी प्लेस कर दी, और अब मुझे यहाँ पे एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है, तो मैं उसे जल्दी से बना के तुमसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो मैंने यहाँ पे अब सॉर्टिंग सिस्टम भी बना दिया है, तो मैं इसकी रूफ़ को कवर कर देता हूँ, और तुम्हें इस चेस्ट का एक फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो चेस्ट है मैंने पूरी बना ली, और तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा चेस्ट है। मैंने इसको बनाने में 12 आवर से भी ज़्यादा का टाइम स्पेंड करा है, और तुम लोग देख सकते हो ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ आना है और इन चेस्टों में सामान डालना है, और वो यहाँ सॉर्ट होके इन चेस्टों में आ जाएगा। तो जैसा तुम्हें पता है, मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज़ के हर एक एपिसोड में 25x25 का एरिया क्लीन करता हूँ, तो मैं अभी वहीं करने जा रहा हूँ। तो गाइस, मैंने एरिया भी क्लीन कर दिया है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो के लिए। बाय।